Here my question number one is triangle DEF is a right angle triangle with angle E is equal to 90 degrees. So triangle DEF, I am making a triangle. See, suppose this is a triangle DEF. This is a triangle DEF, and here angle E is 90. This angle is 90 degree. What type of angles are angle D and angle F? अब देखिए इस triangle में तीनों angle का जो sum होता है that is 180 degree. एंड वन एंगल 90 है, तो बाकी के दोनों जो एंगल्स होंगे वो 90 से कम आएंगे. सो वी कैन से दैट दे आर इक्वल, नहीं इक्वल हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते. दे फॉर्म अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, नहीं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिकॉज एंगल डी प्लस एंगल एफ का जो सम होगा दैट इज 90 डिग्री. आई विल प्रूव दिस. इन अ ट्राइंगल डी ई एफ, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, इसका जो सम आएगा दैट इज 180 डिग्री. अब आपका जो एंगल डी है दैट इज 90 डिग्री, सो वी कैन राइट 90 प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो यहाँ से हमारा क्या आ जाता है, एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री. सो इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर called complementary angles. So C option is correct here. Now I will move towards question number 2. In an isosceles triangle, one angle is 70 degree. Isosceles triangle, we all know what is isosceles triangle. Isosceles triangle is a triangle in which two sides are equal and two angles are equal. Adjacent sides are equal and adjacent angles are equal. So A, B, C, this is isosceles triangle. वन एंगल इज 70 डिग्री, मान लेते हैं ये एंगल हमारा दिया हुआ है 70 डिग्री. सो हेयर आई हैव टू टेल द अदर टू एंगल्स आर, अदर टू एंगल्स इक्वल है, मीन्स ये हमारा x है एंड दिस इज ऑल्सो x. सो वी कैन फाइंड द अदर टू एंगल्स लाइक 70 प्लस x दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो हेयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x दैट इज 70 प्लस 2x, 70 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंड वी हेयर वी कैन राइट दैट एक्स क्या आ जाएगा हमारा, एक्स विल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 70 हमारा हो जाएगा 110 एंड 2x इज इक्वल टू 110, 2x की वैल्यू क्या आ रही 110, सो एक्स विल बी इक्वल टू 55 डिग्री. सो इक्वल एंगल जो हमारे हैं वो कितने डिग्रीज के हो जाएंगे, 55 डिग्रीज ईच का आ जाएगा. सो आंसर विल बी 55 एंड 50, हाँ बोथ द एंगल्स विल बी 55 एंड 55. सो ए दैट इज़ वन ओनली, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. यहाँ पर एक ऑप्शन भी है वन एंड सेकेंड, तो सेकेंड यहाँ पे क्या है 70 एंड 40 गलत है. सो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, सो वन ओनली ए इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द टॉप ऑफ अ ब्रोकन ट्री टचेस द ग्राउंड, मान लीजिए हमारा कोई ट्री है, दिस इज अ ट्री, ये हमारा ट्री है. द टॉप ऑफ अ ब्रोकन ट्री टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ, मान लीजिए यहाँ से ये ब्रेक हो गया है और ये नीचे ऐसे गिर गया है, ठीक है, ये ऐसे नीचे गिर गया है. और द टॉप ऑफ अ ब्रोकन ट्री टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस, और जब ये गिर गया है तो कुछ ऐसा आपका फिगर बनेगा, ऐसा कुछ आपका फिगर बनेगा. मान लीजिए ये ऐसा ट्री था आपका, ये मान लीजिए ट्री था, यहाँ से गिर गया है तो कुछ ऐसा हो गया है, ये फिगर आपका कुछ ऐसा बन गया है. एंड ऐसा कुछ फिगर आपको बनेगा दैट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल की तरह फिगर बन जाएगा. अब यहाँ पे कह रहा है एट अ ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस, सो 12 मीटर दिस इज़ द डिस्टेंस दैट इज़ 12 मीटर, इसको हम लोग ए बी सी मान लेते हैं, दिस इज़ द राइट ट्राइंगल ए बी सी 12 मीटर फ्रॉम द बेस, और ये परपेंडिकुलर होती है. इफ़ द ट्री इज़ ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, कहाँ पर ये ब्रेक हुआ है 5 मीटर ग्राउंड से, सो ये हमको पता चल गई ए बी की वैल्यू और बी सी की वैल्यू हमको पता चल गई 12. फाइंड द एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री, एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ए सी की वैल्यू निकालेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर. सो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स दैट इज 12 स्क्वायर एंड प्लस 5 स्क्वायर. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 12 स्क्वायर होता है हमारा 144 एंड 5 स्क्वायर इज 25. सो वी विल गेट द आंसर एज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169. सो ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 169 एंड ए सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ से 13. रूट ऑफ 169 करेंगे तो ए सी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी. आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर से आपको बता रहे हैं हमने क्या किया है.
जो हमारी हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा हम डायग्राम बना देंगे आपको, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम बनेगा, दिस इज़ 12, दिस इज़ 5, ठीक है, ए बी सी, ये हमारा डायग्राम बन गया। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, ए बी प्लस ए सी होगी, सो बाई पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज़ 5 स्क्वायर और प्लस 12 स्क्वायर, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144 और दोनों को ऐड करेंगे तो 169 आ जाएगा, एंड ए सी की वैल्यू आप अंडर रूट निकाल सकते हैं 169 का, ये हो जाएगा 13, फैक्टर्स करके पेयरिंग करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा 13। सो टोटल हाइट ऑफ द ट्री आपको बतानी है, दैट इज़ ए बी प्लस ए सी, दैट इज़ ए बी प्लस ए सी, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी आपका है 5 और ए सी आपका है 13, 5 प्लस 13 कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, दैट इज़ द फाइनल आंसर, सो 18 इज़ द फाइनल आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट, 18 मीटर इज़ द आंसर, सॉरी मीटर इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 60 एंड डायगनल इज 61, सो ये भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल हमने बना दिया, दिस इज़ अ रेक्टेंगल, ठीक है, हुज लेंथ इज 60, सो लेंथ हमारी ये लेंथ है दैट इज 60 सेंटीमीटर एंड डायगनल इज 61, सो डायगनल हेयर इज 61, सो आपको दूसरी ब्रेथ निकालनी है, यानी कि नीचे वाली साइड निकालनी है, आप अगर इसको 60 लेंगे इसको ब्रेथ लेंगे तो भी चल जाएगा, मान लीजिए ये हमारी ब्रेथ है दैट इज़ बी एंड ये लेंथ है आपकी 60, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, सो ये दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन फाइंड बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज 61 स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर और प्लस 60 स्क्वायर, और इसको हम निकाल सकते हैं 61 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर कर देंगे सो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 61 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर, एंड नाउ व्हाट इज 61 स्क्वायर, 61 स्क्वायर हमारा होता है, इसको फाइंड ही कर लेते हैं, 61 इंटू 61 कर लेते हैं, 61 इंटू 61 61 वन 61 11 टाइम्स 1 16 टाइम्स 6 एंड एक क्रॉस लगा 6 वन जा 6 और 6 6 जा हो गया 36, ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा 1 6 प्लस 6 हो गया 12 और 37 3721 हमारा आ जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 3721 और माइनस 60 का स्क्वायर होगा 3600, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो आ जाएगा आपका 3600 दैट इज़ 121 आ जाएगा बी स्क्वायर, सो बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 11, वैल्यू ऑफ बी विल बी 11, बी की वैल्यू आपकी 11 आ गई, यानी कि ब्रेथ आपकी कितनी आ गई 11 आ गई। नाउ यू कैन फाइंड द पेरीमीटर बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2L प्लस बी, सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2L प्लस बी, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2L प्लस बी, यानी कि 260 प्लस 11 एंड 60 प्लस 11 हमारा होता है 71, सो 2 इंटू 71 दैट इज़ 142 सेंटीमीटर, दिस इज़ द फाइनल आंसर 142 सेंटीमीटर मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 130 एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देयर मेजर ऑफ ईच इंटीरियर अपोजिट एंगल इज, सो वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये हमको पता है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, सो एक्सटीरियर एंगल इज 130 एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मीन्स x प्लस x, सो हेयर 2x विल बी इक्वल टू 130, सो x विल बी इक्वल टू 130 अपॉन 2 दैट इज 65, क्या आ जाएगा हमारा आंसर 65 डिग्री, सो हेयर b इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 65 डिग्री इज़ द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स, मीडियन इज ऑल्सो कॉल्ड डैश इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो मीडियन को क्या बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में, दिस इज़ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, सो हमारी मीडियन क्या कौन सी लाइन होती है जो ट्राइंगल की बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, एंड इन इक्विलेटरल ट्राइंगल दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एल्टीट्यूड, क्या उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, सो मीडियन इज कॉल्ड एल्टीट्यूड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन एन आइसोसेलिस ट्राइंगल टू एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, आइसोसेलिस ट्राइंगल में दो एंगल्स क्या होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं और दो साइड्स भी इक्वल होती हैं, आइसो का मतलब ही होता है टू और सेलिस मीन साइड्स, ठीक,
Next, the dashed triangle has always has an altitude outside itself. ऐसा कौन सा ट्राइंगल इसकी एल्टीट्यूड बाहर की तरफ होती है? दैट इज़ अ ऑप्टूज एंगल ट्राइंगल. और इसकी एल्टीट्यूड ऐसी कुछ होती है बाहर की तरफ. दिस इज़ अ ऑप्टूज एंगल ट्राइंगल, एंगल्ड ट्राइंगल. ठीक है, ऑप्टूज ट्राइंगल या ऑप्टूज एंगल ट्राइंगल, दोनों बात सही है. द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल इज कॉल्ड ट्राइंगल, इट्स कॉल्ड हाइपोटन्यूज. क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटन्यूज बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज आपको बताएंगे. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल दिस इज हाइपोटन्यूज. 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटन्यूज. एंड दिस इज परपेंडिकुलर, जो नीचे वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं बेस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर. सो हेयर इट इज अ ट्राइंगल पी क्यू आर. This is triangle PQR and it is saying that PQ is equal to QR, PQ is equal to QR, PQ is equal to QR, sorry, PQ is equal to QR है. So फिर से बताएंगे, triangle PQR, PQR, PQ is equal to QR, this is equal to this, angle Q is equal to 100, angle Q is equal to 100, angle R is equal to, so these angles will be equal, isosceles triangle property. Opposite sides have equal opposite angles. So the sum of all the three angles is 180, means 2x plus 100 will be equal to 180 degree. So हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. 2x is equal to हमारा आ जाएगा 80. 2x is equal to 80. So x is equal to कितना आ जाएगा? X is equal to हमारा आ जाएगा 40 degree. So this is the final answer. Angle R is equal to 40 degree. Next question number 11. Sum of two sides of a triangle is greater than और इक्वल टू द थर्ड साइड. गलत लिखा हुआ है बेटा. सम ऑफ द टू साइड्स इन अ ट्राइंगल, जैसे ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी सी अगर कोई ट्राइंगल है, सम ऑफ टू साइड्स ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी. ये होता है, अगर इक्वल हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा. मीन सम ऑफ द टू साइड्स शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स ए बी माइनस बी सी शुड ऑलवेज बी लेस देन द थर्ड साइड. ये होता है आपका दो रूल. क्वेश्चन नंबर, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड. यही हमने आपको भी बताया है. मीन्स ट्राइंगल ए बी सी में ए बी माइनस बी सी इज लेस देन ए सी. ये होता है, द डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड. नेक्स्ट, इज इट पॉसिबल टू हैव अ राइट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल. नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा एक एंगल होता है 90 डिग्री. सो इसमें बाकी दोनों एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो 45 और 45 के होंगे. सो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बन पाएगा. इट इज़ अ आइसोसेलिस ट्राइंगल. सो इट्स ए फॉल्स. नेक्स्ट, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन 180. नो, इट्स फॉल्स. ये हमारा क्या है? दिस इज फॉल्स. सम ऑफ द मेजर ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है. सो स्टूडेंट्स, यू कैन कमेंट योर मार्क्स ऑल्सो. And last question is left, that is question number 15. In a right angle triangle ABC, if angle B is 90, so in a right angle triangle ABC, this is a right angle triangle ABC, angle B is equal to 90, BC is equal to 3 cm and AC is equal to 5 cm, the length of side AB is 4 cm. So we can apply the Pythagoras theorem here, hypotenuse square. 5 square is equal to perpendicular square plus base square, 4 square plus 3 square. So we can see that 5 square is equal to 25 and 4 square is 16, 3 square is 9. 16 plus 9, that is also 25. So yahan par Pythagoras theorem apply ho rahi hai, satisfy ho rahi hai, means the length of AB is 4, that is correct. So answer will be true. Hope everything is clear to you all, and you can see the previous sessions of this chapter from the playlist. Thank you and stay connected for recent updates.